फिल्म हिट ही होगी, काफी फिल्मों में मेरे गाने नहीं होते काफी फिल्मों में मेरे गाने नहीं होते किसी बड़े स्टार्स की हिस्ट्री उठाना, और ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ बिकॉज माई नेम इज मीका सिंह। जब भी मेरा गाना आता है कोई ऐसी फिल्म बता दो जो जो बोले, मैं कहता हूँ न्यू करेक्टर भी होंगे पुराने भी चलेंगे, फिल्म हिट जाएगी। अभी वापस मैं आ गया हूँ मैदान में सर के साथ, तो आप नज़ारे देख ही लेंगे कि फिल्म हिट ही होगी, बिकॉज कंटेंट बहुत अच्छा है, चारों करेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब ने कमाल कर दिया है, ऊपर से मीका सिंह का गाना चार चांद लगा दिया उसने खुद ही, तो ये कमी थी। तो अभी मैं आ गया हूँ स्वयं उतर के, तो डोंट वरी, जिस जिस में जिस फिल्म में गाना आएगा वो सुपर हिट जाएगी। मैं ऐड करना चाहता हूँ जैसे लास्ट जो भी एक तो पुष्पांजलि है, आरआर, केजीएफ, केजीएफ सबका म्यूजिक बहुत अच्छा था, राइट? तो आप क्योंकि बीइंग ए सिंगर मैं ये बताना चाहूँगा, जितनी मूवीज आ रही हैं आई थिंक लास्ट अभी केसरिया जो अरिजीत सिंह का सुपर हिट गाना जा रहा है, तो जब भी गाना अच्छा होगा लोग जरूर थिएटर तक जाते हैं। तो ये सब कई लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में ना म्यूजिक को गायब कर देते हैं। आज चुरा लिया गाना चुरा लिया है, आपको हीरो का नाम नहीं पता होगा उसका, लेकिन गाना सुपरहिट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, विनोद जी आपको भी बोल रहा हूँ, और ये डायरेक्टर जो आने वाले हैं, म्यूजिक अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे एक गाना अच्छा हो। नहीं, आजकल ट्रोल आप खरीद सकते हैं, आप मुझे बताओ किसका ट्रोल करना है आप यू नो बहुत सारी मेरे पास भी अच्छी, पहले मेरे पास टीम नहीं होती थी, फिर मैं गालियाँ सुनता रहता था, अब मैंने टीम तैयार करी है, वो बोले गया तेरी पहन दी, कहते तेरी माँ दी तो आजकल यू नो जो भी विनोद जी से जेलस करता है ना वो इनको गालियाँ देता रहेगा, पर इनके पास टीम होनी चाहिए रिप्लाई करने के लिए, तो ये मैंने सीखा है। तो जब जब मेरी टीम फेल हो जाती है ना, तो मैं अपना मैंने एक आईडी बनाई है राजकुमार रामू, तो रामू मीका के बिहा पे बोलता है तेरी, वो बोलता है रामू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि रामू मैं खुद ही होता हूँ। क्या स्ट्रेटेजी है बाजी, मतलब आपको एक डिजिटल मीडिया कंपनी भी खरीद लेनी चाहिए। आजकल ऐसा हो रहा है ज्यादातर, बिकॉज जो भी आपके फैंस हैं वो आपको प्यार करते हैं, तो ये बहुत गलत होता है कई बार एक ही एक्टर या एक ही डायरेक्टर या एक ही मूवी के हम पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे ज्यादातर आजकल आप यू कैन बाय द फॉलोअर्स, इसलिए मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, क्योंकि मैं जब खरीदना मैं आऊँगा तो मैं सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भी ट्रोल होता है वो यही ट्रोलिंग होती है, वो कुछ जेन्युइन लोग नहीं होते, वो ऐसे ही आते हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं और किस मुद्दे पे उनको गुस्सा आता है, और सडनली वो आपको प्यार भी करने लग जाते हैं। सो इट इज़ ऑल यू नो यू कैन बाय।